ये वीडियो उन तमाम सेल्स पर्सन के लिए है, चाहे वो चीज बेचने के लिए किसी के पास जा रहे हो या उनके पास कोई बंदा चीज खरीदने के लिए आ रहा हो। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है वो है रेफरल एंट्री। अब रेफरल एंट्री का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे के पास जा रहे हैं, उसको कोई चीज सेल करने के लिए जा रहे हैं, तो उनसे कोई रेफरेंस बनाने की कोशिश करें, उनसे कुछ ऐसा कुछ इन कॉमन करें कि जिसकी वजह से वो आपकी बात सुनने में कम अज कम इंटरेस्ट शो करें। जैसे कहते हैं आइस ब्रेकर, कि मतलब आपने बात करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ओपोनेंट है जिससे आप बात कर रहे हैं वो किस चीज में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मुझे फला वड़ाइट साहब ने भेजा था, फला बंदे ने भेजा था, आपके जाने वाले जो हैं अब्दुल रहमान साहब है उन्होंने भेजा था, या मैंने सुना है कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, या मैंने आपको देखा था आप भी इंटरेस्ट रखते हैं फला यूट्यूबर की या क्रिकेट के बारे में, कोई भी इन कॉमन प्रोजेक्ट जो है उसे उनका जो है कनेक्शन बिल्ड करें, ताकि एक आइस ब्रेकर यानी कि बात जो है खामोशी तोड़ने के लिए वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। अच्छा जी, दूसरी चीज PAS, प्रॉब्लम एजिटेट और उसके बाद उसका सलूशन। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, वो आप उसके पास गए हो या वो आपके पास आया इन केस, तो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई है आपको कि यार आपसे पहले मैं फलां बंदे के पास गया था, उसने मुझे ये चीज दी और उसका ये प्रॉब्लम निकला, तो आप उसको बड़े गौर से सुने और उसे कहें अच्छा वाकई यार ये प्रॉब्लम हुआ, उसके प्रॉब्लम को उसके सुनाते सुनाते ही बढ़ा दें कि ये तो वाकई बहुत गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए और बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको ये फील हो कि आप उसको सिंपथाइज कर रहे हैं, आप उसकी साइड पे हैं। और जब सारी बात सुन चुके होंगे, जब उसको ये लगेगा कि वाकई मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा था, तो उसके बाद उसको उसका सलूशन दे, उसके बाद उसको कहें कि भाई ये इसका सलूशन है सर, हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसके अगेंस्ट उसको उसकी खूबियां बताएं, जिससे उसको ये फील होगा कि वाकई ये मेरे लिए प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। थर्ड चीज है प्रोडक्ट जस्टिफिकेशन। अब प्रोडक्ट जस्टिफिकेशन का क्या मतलब है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी चीज को जस्टिफाई करें। फॉर एग्जांपल आप बिकॉज यूज करें, यानी कि बिकॉज का मतलब क्या है अब यहां पे कि फॉर एग्जांपल मैं जूस नहीं पीऊंगा क्योंकि मेरा गला खराब है। अब आप किसी के पास जाते हैं और आप कहेंगे कि यार मैं जूस नहीं पीऊंगा, वो कहेगा क्यों, आप कहेंगे कि बस मेरा दिल नहीं है, तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो कहेगा नहीं पियो। इसी तरह से और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, आप मेरी प्रोडक्ट परचेज करें क्योंकि फलां बंदे को मैंने ये चीज दी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा, या आप मेरी प्रोडक्ट परचेज करें क्योंकि मैं बाय वन गेट वन फ्री दे रहा हूं। तो जब आप क्योंकि इस्तेमाल करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, अगला बंदा आपकी बात को सुनने में इंटरेस्ट शो करता है। अब चीज की तारीफ ना करें बल्कि उसके एडवांटेजेस बताएं। मतलब कोई भी चीज है कि मेरी चीज बहुत अच्छी है जी, इसको खरीद लिया, वो कहेगा यार सभी कहते हैं मेरी चीज अच्छी है, कोई अपनी चीज को बुरा क्यों कहेगा। लेकिन साथ ही साथ आप मुझे इसकी एडवांटेजेस बताएंगे कि फॉर एग्जांपल सर जी ये जो कोक है ना, आप एक डायबिटीज का पेशेंट है, उसको आप कहेंगे सर ये जो मेरा सोडा है ना, ये सोडा जो है ये इसको आप जो है ना पियेंगे तो आपको कोई भी हेल्थ का इशू नहीं आएगा। पीपल डोंट बाय विटामिंस, पीपल बाय हेल्थ। तो ये एक बड़ा फेमस कोट है कि लोगों को विटामिंस में दिलचस्पी नहीं है, लोगों को ये लगता है कि इन विटामिंस को लेके उनकी हेल्थ जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। चौथा पॉइंट, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको समझ के आप सारी चीजों को ऑलमोस्ट क्लोजर पे ले आते हो, BYAF, यानी कि बट यू आर फ्री। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी बंदे को कोई भी चीज सेल कर रहे हैं उसको ये बताएं कि सर यू आर फ्री, हमारी ये प्रोडक्ट है, हमारी ये सर्विसेज है, आपकी ये क्यूरीज है, हम आपको हर एक चीज के बारे में गाइड कर रहे हैं, बट आप फ्री हैं, आप लेना चाहें तो ले, हमारी चीज बाय वन गेट वन फ्री है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते तो इट्स अप टू यू। तो उसको ये फील होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट वो खुद ले रहा है, बनिस्बत कि आप उसको सेल कर रहे हैं, एक लाखों की प्रोडक्ट है, आप अगले को सेल करना चाह रहे हैं, उसको जबरदस्ती देना चाह रहे हैं, कोई भी नहीं लेगा। कोई भी चीज है छोटी हो या बड़ी हो, अगले बंदे को यह महसूस होना चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट मैं परचेज कर रहा हूं ना कि अगला मुझे सेल कर रहा है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सेल्स को क्लोज कैसे करना है। अब सेल्स क्लोजर इसको हम कहते हैं बेसिकली, इसमें दो पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट जो है वो आपने आर्टिस्टिकली उसको जो है बताना है। अब वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर का कारोबार करते हैं, अब या फर्नीचर का कारोबार नहीं करते, आप उसको बता रहे हैं कि मैं चिनियोड़ गया था सर, मैं जेहन ये लेके गया कि यार मैं लकड़ी का फर्नीचर लूंगा, लेकिन वहां पर लकड़ी का भी फर्नीचर पड़ा हुआ था और साथ ही साथ शीट का भी पड़ा हुआ था। अब सर लकड़ी का सबको पता है कि वो बड़ी मजबूत है, लेकिन सर जब मैंने शीट की फिनिशिंग देखी तो इतनी जबरदस्त फिनिशिंग हुई हुई थी, उसको इतना तूल देना, इतनी आर्टिस्टिकली उसको बताना है कि सर मैं कन्विंस हो गया कि मुझे शीट वाला फर्नीचर लेना है। तो सर आज के दौर में इंपॉर्टेंस जो है वो आपकी फिनिशिंग की है बनिस्बत के मजबूती की। और सेकंड पॉइंट, ओनरशिप लेनी है, FFF, फील फेल्ट फाउंड। अब इसका क्या मतलब है कि आप ये बताएं कि भाईजन मैंने ये फील किया कि मुझे सर दर्द है,
लेकिन मुझे पोन्स्ट्रान लेके आराम ही नहीं आया। सर मैंने फलां दवाई ली और मुझे पहले यकीन नहीं था, लेकिन मैंने खुद खाई और यकीन करे सर मेरा पूरा दिन उसको खाने के बाद इतना सुकून से गुजरा। तो अब वो बंदा आपकी बात के साथ साथ आपकी बातों के अंदर घुस गया है, अंदर इन्वॉल्व हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब ही इज रेडी टू बाय दैट प्रोडक्ट और एंगेज विद योर प्रोडक्ट। अब वो इस सोच से उसको लेगा कि यार क्या है, अगर ये आराम देती है चीज तो ठीक है, ट्राई तो करना चाहिए। ये बंदा खुद ट्राई कर चुका है, इसका मतलब है इसमें कुछ तो है। सो अगर आपको हमारे इसी तरह की वीडियोस मजीद चाहिए और आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।